मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूं जयंत पटनायक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कवाली के ऊपर बजने वाला कहरवा। अगर हम कवाली का जिक्र करते हैं तो नुसरत फतेह अली खान साहब जी का नाम सबसे ऊपर आता है। नुसरत जी ने कवाली को बदल के रख दिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया, और जो उनकी कवालियों में कहरवा के बोल बजते हैं, आज हम उन्हीं को फॉलो करते हुए ये वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कवालियों में बजने वाला स्लो टेम्पो वाला कहरवा, तो आइए देखते हैं। है स्लो टेम्पो का कवालियों में बजने वाला कहरवा। कई बार कवाली के शुरू में जब कवाली को स्टार्ट करते हैं तो ये स्लो टेम्पो वाला कहरवा बजाया जाता है। आइए इन बोलों को विस्तार से देखते हैं। ता तरे किट देखे ताके तरे किट धा धिन ना धिन धिक ताके तिट धा धिन ना धिन धिन ताके तिट धा धिन ना धिन धिन ताके तिट धा धिन ना धिन धिक तरे किट देखे ताके तरे कवाली के स्लो कहरवा वाले बोल। स्टार्ट में टेम्पो डिसाइड करने के बाद आप तरकिट से शुरुआत कर सकते हैं, तो बोल बनेगा ता तरकिट तिक ता तरकिट। ता में मैं ता और क दोनों बजा रहा हूं क्योंकि लाइट म्यूजिक में क ऐड करने से ता की एक अलग ही ब्यूटी बन जाती है, एक अलग ही शार्पनेस उसमें ऐड हो जाती है। तो बोल है ता तरकिट तिक ता तरकिट तिक किट तरकिट तिक तक तरकिट ता तरकिट तिक ता तरकिट ता तेरे किट टिक टक तेरे किट। शुरू से देखते हैं ता तेरे किट टिक टक तेरे किट धा धिन ना धिन। तो स्टार्ट में एक तरकिट ऐड करने से पूरे बोल में एक अलग ही लेवल की खूबसूरती ऐड हो जाती है। आइए शुरू से देखते हैं। अब ये बोल है, मुख्य जो ठेका है वो है धा धिन ना धिन। धिन इसमें तुन वाला धिन नहीं है, तो ता तिन हाथ इसी प्रकार कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। तिन के बोल की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर सही तिन सुनेगा तो बोल और खूबसूरत बनेगा। आइए पूरा बोल देखते हैं। धा धिन ना धिन तिन तक तिट धा धिन ना धिन तिन तक तिट धा धिन ना धिन तिन तक तिट धा धिन ना धिन तिन तक तिट। स्टार्ट में बोल है धा धिन ना धिन, उसके बाद है धा धिन ना धिन, पूरी फिंगर्स जुड़ी हुई हैं स्याही के साथ और बाहर किनार पे क्लिक की साउंड आ रही है। इस तरफ मैं डग्गे को ग बोल को घिस रहा हूं आगे की तरफ। शुरू से देखते हैं। धा धिन ना धिन धिन तक तिट धा धिन ना धिन धिन तक तिट धा धिन ना धिन धिन तक तिट तकिट धा तकिट धा तकिट धा। धा धिन ना तिन धिक तिन तक तिट धा धिन ना धिन धिक धिन ना के तिट धा धिन ना धिन धिन ता के तिट धा धिन ना धिन धिन ता के तिट धा। इसको एक बार पूरा बजा के देखते हैं स्टार्ट से। स्टार्ट पे हम ये वाला बोल बजा रहे हैं, तो इसके बाद वापिस से स्थाई आती है, तो उसमें हम फास्ट वाला कहरवा कैसे ऐड करेंगे आइए देखते हैं। ये बोल चलता जा रहा है।
तो ये है कवाली का मुख्य बोल, जो कवाली के मध्य जितने भी कॉम्पोजिशंस है उनमें बजाया जाता है। तो इस बोल को डिटेल से देखते हैं। धातीना धिन्नाती धाती धातीना तिन्नाती ताती धातीना धिन्नाती धाती धातीना तिन्नाती ताती धा, बजा कर देखते हैं। धातीना धिन्नाती धाती धातीना तिन्नाती ताती धातीना धिन्नाती धाती धातीना तिन्नाती ताती धातीना धिन्नाती धाती धातीना तिन्नाती ताती धातीना धिन्नाती धातीना तिन्नाती धाती धा। अब इसमें राइट वाला हैंड एक ही प्रकार से वर्क कर रहा है। तिन्ना 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 तिता तिन्ना तिन्ना तिता 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 तिता तिन्ना तिता तिता तिन्ना तिन्ना तिता तिता तो ये है कवालियों में बजाए जाने वाला मध्य लय का कहरवा का ठेका। तो इसके बाद जब टेम्पो बढ़ता है तो कवालियों में तेज लय वाला भी एक कहरवा बजाया जाता है। आइए देखते हैं। तो ये है कवालियों का एक तेज टेम्पो पे बजने वाला कहरवा। तो बोल है का एक एक बोल देखते हैं। आसानी से याद करने का तरीका है कि आप राइट हैंड को सिर्फ एक ही टेम्पो पे बजाते जाएं। तो बीच में आप डग्गे का ऐसा ग्रूव भी दिखा सकते हैं। डग्गे को रेगुलर आप बजाते जाइए तो अलग ही एक गमक क्रिएट होगी। उसके बाद सम पे पूरे डग्गे को खुला हाथ बजा के सम दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो ये थे कवालियों में बजने वाले कहरवा के प्रकार। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।